नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ के 18वें चरण में। आज पढ़ रहे हैं हम दसवां अध्याय, जहाँ हम शुंभ के वध की कथा जानेंगे। ध्यान। ओम उत्तप्त हेम रुचिरा रविचंद्र वहनी नेत्रा धनुष्शरयुताङ्कुश पाशुशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ओम ऋषि वाच निशुंभम निहतम दृष्ट्वा भ्रातरम प्राण सम्मितम हन्यमानम बलम चैव शुंभः क्रुद्धो अब्रवीद्वचः बलावले पातुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासा बलमाश्रित्य युद्धे से यातिमानिनी। देवोवाच। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा पश्यैता दुष्टमयैव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या दिव्यास्तनौ जगमुरे कैवासीत दाम्बिका। देव्योवाच देव्योवाच अहम् विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहितं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तो देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी भला कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गए। तो फिर देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को अब मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तो अब चेतावनी है, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि रोवाच ततः प्रववृते युद्धम देव्या शुंभस्य चो भयो पश्यताम सर्व देवानाम सुराणाम च दारुणम् शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् भूद्भूदयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका
बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी लीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माच्छादयत्सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिता। तो ऋषि कहते हैं तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। अब अपने धनुष के कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। ततः खड्गम उपादाय शतचंद्रम च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापततेवाशु खड्गम चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरम् निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्य पुंगवः देव्यास्तम चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडय। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला, जिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से फिर देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य राज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तल प्रहाराभिहतो निपपात महितले सदैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्यो चैरदेवीं गगनम् मास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चंडिका नियुद्धम् खेतदा दैत्यश्चंडिका च परस्परम् च
चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चंडिका निधने छया। अब देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन सहसा पूर्ववत उठकर वो फिर खड़ा हो गया। वो फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय शुंभ दैत्य और माँ चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध बड़े बड़े सिद्ध और मुनियों को भी विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर, पृथ्वी पर आने पर वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तमायांतम ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम जगत्याम पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सगतासुः पपातोर्व्याम देवी शूलाग्र वीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साभि दीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पात मेघाः सोल्काये प्रागा संस्थे शमं ययुः सरितो मार्ग वाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरो गणाः वभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्विवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओम तत्सत। अब जब शुंभ माँ चंडिका का वध करने के लिए पुनः उनकी ओर वेग से दौड़ा, तब फिर उस समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अब देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्णतः स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभ वधो नाम दशमो अध्याय। यथा श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक दसवां अध्याय।
कल हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, जिसमें देवता देवी की स्तुति करते हैं और देवी से मनवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। जय दुर्गा, जय भारत।